हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 का चैप्टर 3 कि जैसा कि आपको पता है कि हम सारे के सारे नोट्स कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसको कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि ये सारा का सारा मैं पूरी अच्छी तरीके से कवर कर रही हूँ, सो दैट कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ना इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए फटाफट से आप सब कुछ देखिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और एक बार आप ये पढ़ लोगे ना, आपको कहीं पर भी ट्यूशन कोचिंग कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर 3 जैसे कि आपको पता है किसका नाम है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या है। अब तक आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि मेटल कुछ ऐसी चीज होती है जिसका बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, शाइनिंग होता है, कुछ इस तरीके से करके हम अभी भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप क्लास 10th में चले गए हो, तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि मेटल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देना चाहिए, क्योंकि अब आप काफी बड़े हो चुके हो। तो मेटल्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो मेटल्स क्या होते हैं, आपके वो एलिमेंट होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और मेटल को आप जितना भी देखोगे ना, आप अपने पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में सारे के सारे मेटल हैं, जबकि राइट साइड में सारे के सारे नॉन मेटल हैं। मेटल का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को बॉडी जल्दी लूज कर देता है, जबकि नॉन मेटल क्या है, वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के पावर रखता है, और इसलिए दोनों मिलकर फिर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहां पर बात यह है कि आपका मेटल को डेफिनेशन इस तरीके से करना है कि दोज एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जिससे क्या हो, एक वो आयंस बना सके, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। एग्जांपल में आप देख दो नाम याद रख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में होना चाहिए, ताकि क्योंकि आप क्लास 10th में, हम रिस्क नहीं ले सकते कुछ भी। इवन A1 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है कि आपकी परसेंटेज को लेकर, तो इसलिए मैंने एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं, हर चीज़ को यहाँ पर कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल, आपके वो एलिमेंट्स हैं विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इसके एग्जाम्पल है आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। तो जब आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे ना पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइम मैं बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि आपका किस तरीके से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सारे के सारे ना अच्छी तरीके से उसमें सेट है जो आपका पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले जो भी मेटल है, नॉन मेटल है, सबकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप देख के पता कर सकते हो कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज मेटल है और ये चीज नॉन मेटल है। लेकिन केमिकल में क्या होता है, उसको हम केमिकली कुछ ना कुछ करते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो पर्टिकुलर चीज है क्या। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें मेटल के, तो मेटल क्या होते हैं, मोस्टली हार्ड होते हैं। लेकिन आपका एक आपके एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो उसके एक्सेप्शन पूछेंगे। हमें पता है कि अब तक ये पता था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है, वो आपका क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, इवन ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि इसे आप चाकू से काट सकते हो। तो इसलिए एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि वैसे तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटलिक क्लस्टर मतलब उसमें शाइनी होता है। उसके बाद मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, दोनों को दोनों के मतलब कि हम उसको वायर में बना सकते हैं और थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो मेटल्स होता है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करा देता है, इस वजह से हम इसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मेटल्स के हाई आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद जो मेटल्स हैं, आर्सोनोरस मतलब उसको जब आप पीटोगे तो आवाज़ निकल कर आएगी, इसलिए वो क्या करता है, जब भी उसे स्ट्रक करोगे तो एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा। 7th को है आपका जिसकी प्रॉपर्टी मोस्टली सॉलिड, मतलब जो आपके जितने भी मेटल हैं ना, लगभग सबके सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो कि आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही घुमा कर देते हैं कि आपका अगर मेटल के बारे में पूछेंगे ना, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो तो आपका मरकरी है। लेकिन उन्होंने अगर ये बोल दिया ना कि एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको ब्रोमीन जवाब देना है। तो दोनों नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, मरकरी को Hg से हम डिनोट करते हैं जबकि ब्रोमीन को Br से। तो अगर आपको मेटल पूछे तो मरकरी और नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन आपको बताना है। यहाँ पर आपने दो टर्म देखा था, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी को लेकर। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं 1 मार्क्स का कि हाँ मेलिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इस वजह से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि और सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल है कि चलो सोनरस है तो आवाज़ आती है एंड ऑल।
लेकिन अगर हम बात करें मेलिबिलिटी, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ना मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसे पीट पीट कर पतली चादर में जो कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल है वो आपका गोल्ड, गोल्ड को कितनी ही पतली शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से आपने हमने जब देखा था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जब उसने अल्फा रेज को पास आउट करवाया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो भी उसने गोल्ड लिया था। गोल्ड लिया ही इसलिए था क्योंकि इसको इसकी सबसे थिन शीट बना सकते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने गोल्ड लिया था। तो इसके यहाँ पे नाम याद रखना है कि मेलिबिलिटी में सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका गोल्ड, देन सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा हाईली मेलिएबल होते हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मेटल को हम क्या कर सकते हैं, एक वायर के रूप में खींचा जा सकता है, तो इसलिए हम उसको डक्टिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी में भी फर्स्ट नंबर गोल्ड का ही है, सिल्वर, देन उसके बाद यहाँ पर कॉपर का नंबर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, कम से कम एक दो चीज़ें आप रखिए कि मेलिबिलिटी में जो फर्स्ट नंबर है और आपका डक्टिलिटी में दोनों के दोनों गोल्ड और सिल्वर ही हैं, तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि नॉन मेटल में क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मोस्टली आपके क्या होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कई लोग, मतलब अब तक आपने अगर नहीं पता होगा तो आप सोच रहे होगे कि डायमंड तो काफ़ी हार्ड होता है, तो इट मीन्स वो मेटल है, बट नॉट, डायमंड आपका क्या है, नॉन मेटल है और वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बात करते हैं नेक्स्ट, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल की नोक में यूज किया जाता है। एक एक बात जो मैं बोल रही हूँ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा हो सके कि पेंसिल में हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं और वो पर्टिकुलर क्या है, उसके बाद अगला पूछ लेंगे कि हाँ वो हीट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, एक्सेप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि वैसे तो आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं करता, बट ग्रेफाइट क्या कर देता है, पास करवा देता है। उसके बाद नॉन मेटल आपका मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल की प्रॉपर्टीज भी नहीं होती, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली तो आप देखोगे ना मेटल और नॉन मेटल की जो भी एकदम अपोजिट है सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपका जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पास जा सकता है, बट स्पेशली जो लिक्विड में एक आपका ब्रोमीन है, तो उसको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद नॉन लस्टरस, मतलब लस्टर की प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं होती, मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता नॉन मेटल का, लेकिन डायमंड और आयोडीन के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं, तो इस चीज़ का भी एक्सेप्शन याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं आप हमारे आयनिक बॉन्ड में, कि जब आपका एक मेटल और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके ना एक बॉन्ड बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर NaCl का आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, जब हमने इसलिए पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका जो सोडियम है वो 11 नंबर पर है, क्लोरीन जो है 17 नंबर पे है। तो जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो इनके आउटर सेल में सबसे आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको एक की ज़रूरत होती है, इसके पास एक फालतू होता है, तो ये क्या करता है, इसको दे देता है। तो ये आपका क्या है, सोडियम मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जबकि आपका क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, जो हमेशा गेन करता है। तो दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल वही आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब आपके एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजिली वो सोल्यूबल हो जाते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि जब एक आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन से जब कोई चीज़ बनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इनको सॉलिड स्टेट में रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएगा, लेकिन जैसे ही इसको मोल्टन, मतलब पिघले हुए सिचुएशन में या फिर एक्यू सोल्यूशन में करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वही बात है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है आयंस के बीच में। द कंपाउंड ब्रेक इनटू पीसेस, अगर इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या होते हैं, ये टूट भी जाते हैं। तो ये तीनों चार प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या, सोल्यूबल इन वाटर, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में पास नहीं कर सकते, जबकि एक्यू सॉल्यूशन में पास कर देंगे।
सॉलिड और हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद कुछ टॉपिक है और उसके बाद इसको तो याद भी करना है, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, बट मैं यहाँ पे आपको लिस्ट भी दे रही हूँ कि आपको याद कर लेना है रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज आपका क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब ये क्या है? एक मेटल की सीरीज है जिसमें ना हम उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर को डिक्रीज करते हुए लिखते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब आपका मेटल है उसका है आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और उसके बाद कॉपर हो गया, और उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यू नो सब, मतलब कि ये तीनों तो मोस्टली आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, और इसीलिए इसकी वैल्यू भी ज्यादा है क्योंकि मतलब जो भी चीजें ना कम रिएक्टिव होती है वो चीज, जैसे आप अगर हम बात करें ना तो गोल्ड जैसे सिल्वर है वो थोड़ी सस्ती है, उससे महंगी है गोल्ड, और प्लैटिनम उससे भी ज्यादा महंगा, क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छी, क्योंकि इसको आपको ना सेट करवाने के लिए आ जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको 3-4 एलिमेंट दे देंगे और कहेंगे आप इसको पर्टिकुलर ना रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना होगा। तो इसलिए आप इसे याद करोगे अच्छी तरीके से कि सबसे पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। अब चलते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तो उसके बाद हम रिएक्शंस करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपके एसिड के बेसिस के, उसके बाद फिजिकल भी पढ़ा था उससे पहले, तो सारी की सारी चीजें जो आपने वहां पढ़ा ना वैसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपका सोडियम है, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना दिया, साथ में बैलेंसिंग भी यहाँ पे कर दी है क्योंकि आपको बैलेंसिंग भी फर्स्ट चैप्टर में करवा दिया गया था। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर प्रॉपर्टीज की, सेकंड आपका क्या है, रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ये रहा उसका रिएक्शन, आपको इस तरीके से देख लेना है, एक एक एग्जांपल आप याद रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड, अगर वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो आप बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस H2। और ये जहां तक है हमने जब एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि एसिड प्लस मेटल है तो दोनों की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं, तो ये आपके दो एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक इस तरीके के मेटल है ना जो कि आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। वैसे मोस्टली जो आपका मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दोनों के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जिंक की आपकी बुक में भी देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है फिलहाल, नाम याद रख लीजिए फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या एक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और दूसरा बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और उसके जो प्रोडक्ट भी है ना वो लगभग सेम टू सेम ही बनाता है, सॉल्ट ही बनाएगा और उसके अलावा वाटर ही रिलीज करेगा। उसके बाद आपके जो चैप्टर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा मिनरल और ओर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। तो मिनरल और ओर में भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि कभी तो दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, कभी कुछ। वैसे मैंने आपको क्लास 10th की बात है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो मिनरल क्या है, दीज आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग। जब खुदाई से अर्थ के क्रस्ट से हम जो भी सब्सटेंस निकालते हैं ना जो कि नेचुरली होता है हमारे अर्थ के नीचे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जबकि ओर्स जो है, ओर्स आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओर्स आपकी वो मिनरल है जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं, मतलब ओर को ना यहाँ पर प्रॉफिटेबली तरीके से देखा जाता है। और इसीलिए ना एक और चीज बोलते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल, क्योंकि मिनरल हर वो चीज है जो कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे है, लेकिन जो चीज हमारे लिए फायदे लायक नहीं है जिससे हमें मेटल नहीं मिल सकता तो उसको हम क्यों निकालेंगे। तो इसलिए आपके जो जितने भी हमने ओर निकाले वो तो मिनरल्स हैं, बट सारे के सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते, क्योंकि ओर तो हम उसे ही मानते हैं जिससे हम अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ निकाले। अब सपोज करो कि कहीं पे हम माइनिंग करी, हमारा लेबर कॉस्ट तो आ गया 10,000 रुपीज का और वहां पे गोल्ड निकल रहा है 2,000 रुपीज का, तो ऐसा काम तो करेंगे नहीं ना।
तो वो क्या हो जाएगा, मिनरल के नाम से चला जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ करेंगे नहीं। और जहाँ पे हमें प्रॉफिटेबल होगा वहाँ से हम वो चीज़ें निकालेंगे, तो आपका और हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि मिनरल, आप ये सोचो ना, हर वो चीज़ जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर है, जबकि और आपका वो है कि ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल निकालते हैं, वो भी अपना हम अपने प्रॉफिट को देखते हुए। तो इसीलिए इस लाइन को भी याद रखना है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स। फिलहाल थोड़े से टॉपिक, थोड़े से तो नहीं कह सकते, लगभग हाफ चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। हाफ चैप्टर हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा, नई वीडियो डलेगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप फटाफट से उस वीडियो को देख सकते हो। और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है।